स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है कम्युनिटी चैप्टर में सक्सेशन को आज हम स्टडी करेंगे। सक्सेशन जो होता है एक्चुअल में है क्या, उसके कितने स्टेप्स होते हैं, सक्सेशन का जो होता है स्टार्टिंग स्टेज को क्या कहा जाता है, इंटरमीडिएट स्टेज को क्या कहा जाता है और लास्ट फाइनल स्टेज को क्या कहा जाता है, उसकी स्टडी करेंगे और टाइप्स ऑफ सक्सेशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि सक्सेशन जो होता है वो होता क्या है। सक्सेशन इज़ ए यूनिवर्सल प्रोसेस, ठीक है, हर जगह पर जो होता है आपको सक्सेशन देखने में मिलेगा। यूनिवर्सल प्रोसेस ऑफ यूनिडायरेक्शनल चेंज इन ए कम्युनिटी कंपोजिशन ऑन एन इकोलॉजिकल टाइम स्केल। देखो, पहले इस चीज को हम समझते हैं कि सक्सेशन जो होता है वो क्या होता है। तो सक्सेशन इज ए प्रोसेस इन विच वन कम्युनिटी इज रिप्लेस्ड बाय अनदर कम्युनिटी। मीन्स एक कम्युनिटी जो होती है, जस्ट सपोज एक कम्युनिटी है ए, वो रिप्लेस हो रही है, किसके थ्रू रिप्लेस हो रही है, कम्युनिटी बी जो होता है वो क्या कर रहा है, इस ए को जो होता है रिप्लेस कर रहा है, यानी हटा रहा होता है, ठीक है। तो ये कम्युनिटी रिप्लेस हो रही है, क्यों, क्योंकि ये जो होती है काफ़ी वीक है, ठीक है, वो वहाँ पर जो होता है उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंटल कंडीशन में जो होती है इसकी लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती है, ये वीक है, कॉम्पिटेटिवली भी जो होती है ये वीक है, और ये जो होता है इसका सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो होता है कंपैरेटिवली ए के ज़्यादा है, ठीक है, ये काफ़ी विग्रस है, ठीक है। तो इसीलिए जब ये विगर है तो ऑब्वियसली इसको जो होता है इजीली एक्सक्लूड आउट कर देगा, ठीक है। तो ये वाली जो प्रोसेस होती है कम्युनिटी में वो हमेशा देखने में मिलती है, हर जगह पे जो होता है आपको सक्सेशन की स्टेजेस दिखने में मिलेगी। आप एक पर्टिकुलर अगर इकोसिस्टम की बात करें तो ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम की अगर हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पर एक ही सक्सेशन की प्रोसेस जो होती है देखने में मिले। सक्सेशन क्या है सबसे पहले हम उसको समझते हैं, फिर मैं आपको ये समझाती हूँ कि इकोसिस्टम में जो होता है एक ही सक्सेशन क्यों नहीं होता है। सक्सेशन जो होता है स्टेज, इसमें क्या होता है कि एक पाइनियर स्टेज होता है। जस्ट सपोज हम बैरन लैंड की बात करते हैं, ठीक है, ये एक बैरन एरिया है, मतलब जो होती है अनफर्टाइल सॉइल जहाँ पर होते हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ पर जो होती है कोई भी वेजिटेशन जो होती है, कोई भी जो होती है स्पीसीज डाइवर्सिटी, क्योंकि वहाँ पर क्या ऐसा है बैरन लैंड है, ठीक है, अनफर्टाइल सॉइल्स वगैरह है। लेकिन क्या होगा कि यहाँ पर पाइनियर कम्युनिटी जो होती है सबसे पहले आती है, तो पाइनियर कम्युनिटी में जैसे बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं आएंगे, सर्वाइव करेंगे, फिर उनकी डेथ होगी, फिर उनकी डेथ की वजह से जो होता है कुछ ऑर्गेनिक मैटर का एक्यूमुलेशन जो होता है होना स्टार्ट होगा, ठीक है। फिर ये एक्यूमुलेशन हुआ तो वो सॉइल जो होती है स्लाइटली जो होती है फर्टाइल हुई, जब स्लाइटली फर्टाइल हुई तो फिर ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होगा, कुछ वेजिटेशन जो होती है उनका डेवलपमेंट स्टार्ट होगा, जैसे सपोज लाइकन, ठीक है, लाइकन की ग्रोथ हुई, लाइकन और ब्रायोफाइट्स की ग्रोथ हुई, फिर उसके बाद जो होते हैं हर्ब की ग्रोथ होती है, फिर उसके बाद जो होती है हर्ब के बाद जो होती है श्रब की ग्रोथ होती है, श्रब के बाद जो होती है ट्रीज की ग्रोथ होती है, ठीक है। यानी यहाँ पर जो होता है क्यों, ये एक्चुअल में ये हो क्यों रहा है, कैसी ऐसी ये ग्रोथ जो होती है ऐसे ही नहीं हो जाती है, इसमें जो होता है टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, काफ़ी जो होता है हंड्रेड ऑफ ईयर्स जो होते हैं लग जाते हैं, लेकिन होती है। क्या होता है कि ये लाइकन है, लाइकन की ग्रोथ हो रही है, लाइकिन जो होती है उनकी डेथ होगी, फिर उनका मतलब जो होता है डेड बॉडी और डेड बॉडीज की वजह से ऑर्गेनिक मैटर का एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट होगा, ऑब्वियसली यहाँ से जो होती है स्लाइटली फर्टिलिटी जो होती है इंक्रीज करेगी, फिर यहाँ पर जो होती है हर की वो जो होता है वो कंडीशन किसके लिए फेवरेबल हो जाएगा, हर्बेशियस प्लांट के लिए फेवरेबल हो जाएगा। तो हर्बेशियस प्लांट जो होंगे ग्रासेस वगैरह वो ऑब्वियसली लाइकन के कंपैरिजन में डोमिनेंट होंगे, तो वो इजीली जो होता है लाइकन को रिप्लेस करके अपना जो होता है डेवलप हो जाएंगे। फिर उसके बाद जो होती है श्रब होगा, तो श्रब जो होता है हर के कंपैरिजन में जो होता है विग्रस होता है, ठीक है, उसकी जो होती है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो होती है हर के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है, तो वो कॉम्पिटिशन के थ्रू हर को जो होता है क्या करेगा एक्सक्लूड आउट कर देगा। फिर इसी तरह से ट्रीज की ग्रोथ होगी, वो क्या करेगा श्रब को रिप्लेस कर देगा। ये जो होता है सक्सेशनल स्टेजेस, ठीक है, सक्सेशन के जो होते हैं स्टेज होते हैं जो कि हम देखते हैं। तो अगर हम सक्सेशन के स्टेजेस की बात करते हैं, सक्सेशन की बात करते हैं, तो एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में, ठीक है, कई सक्सेशन के स्टेजेस जो होते हैं चलते हैं। हो सकता है कि ये जो मतलब लास्टली जो ट्री का जो डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, ये स्टेज जो होती है क्लाइमेक्स स्टेज कहलाती है। कौन सी स्टेज? क्लाइमेक्स स्टेज। क्लाइमेक्स स्टेज वो स्टेज होती है जहाँ पर अब वो कम्युनिटी को कोई दूसरी कम्युनिटी रिप्लेस नहीं कर सकती, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्लाइमेक्स स्टेज कहते हैं। पाइनियर स्टेज तो आपको पता ही है कि जो होती है सबसे स्टार्टिंग की होती है, फिर एक स्टेज आती है
इंटरमीडिएट स्टेज। इंटरमीडिएट स्टेज यानी वो स्टेज जहाँ पर कुछ टाइम के लिए वो कम्युनिटी जो होती है यानी अदर कम्युनिटीज के कंपैरिजन में वो कम्युनिटी जो होती है थोड़े लॉन्ग टाइम तक वहाँ पर सर्वाइव करती है। ठीक है, तो समटाइम्स ऐसा ही लगता है कि वही मतलब क्लाइमेक्स स्टेज है, लेकिन नहीं, वो बाद में जाके थोड़े से और थोड़े टाइम के बाद थोड़ा और क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होने के बाद जो होती है वो कम्युनिटी भी रिप्लेस हो जाती है, लेकिन हम कह सकते हैं कि वो इंटरमीडिएट स्टेज होता है। तो यहाँ पर अगर हम एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं तो इकोसिस्टम है तो हो सकता है कि यहाँ पर जो होती है सक्सेशन जस्ट स्टार्ट हुई हो सकता है कि कोई जो होती है कम्युनिटी जो होती है अपने एस्टैब्लिशमेंट पे पहुँच रही हो, स्टेबल फॉर्म पे पहुँच रही हो, क्लाइमेक्स कंडीशन पे पहुँच रही हो सकता है कि कोई कम्युनिटी जो होती है इंटरमीडिएट स्टेज पे। ठीक है, यानी एक पर्टिकुलर एरिया में जो होता है या एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में जो होते हैं कई टाइप के सक्सेशन जो होते हैं वो रन करते रहते हैं। ठीक है, इसीलिए जो होती है कि यूनिवर्सल प्रोसेस है। ऑब्वियसली यूनिवर्सल प्रोसेस इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ पर जो होती है अगर हम किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को ही अगर हम समझें, ठीक है, कम्युनिटी क्या है, कम्युनिटी में क्या हम पढ़ते हैं, तो कम्युनिटी में जो होते हैं ये ग्रुप ऑफ डिफरेंट ग्रुप ऑफ पॉपुलेशंस होते हैं जो आपस में क्या करते हैं इंटरैक्ट करते हैं। ठीक है, इंटरैक्ट करते हैं क्योंकि यहाँ पर जो होते हैं रिसोर्सेज जो होते हैं सारे लिमिटेड हैं, इवन जो हैबिटेट एरिया है वो भी जो होता है लिमिटेड स्पेस ही अवेलेबल है कि नहीं है, तो आपस में इंटरैक्ट करते हैं। वो इंटरैक्शन पॉजिटिव इंटरैक्शन भी होता है, नेगेटिव इंटरैक्शन भी होता है। अगर नेगेटिव इंटरैक्शन की हम बात करते हैं, कॉम्पिटिशन की बात करते हैं, कॉम्पिटिशन हम किस चीज़ के लिए करते हैं, फूड के लिए करते हैं, फूड के लिए करते हैं, हैबिटेट के लिए करते हैं, टेरिटरीज वगैरह के लिए, या मेटिंग बिहेवियर के बेसिस पे भी जो होता है इंटरैक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये जो कंपटीशन हो रहा है तो ये कंपटीशन के बेसिस पे वहां पर वही स्पीसीज सरवाइव करती है जो क्या होती है विग्रस होती है, जो सुपीरियर फॉर्म में होती है, जिनका जो स्ट्रगल ऑफ द फिटेस्ट या जो होता है जो स्ट्रगल ऑफ द फिटेस्ट होता है एग्जिस्टेंस के लिए वो सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग होता है। तो ये चीजें जो होती है होना भी जरूरी है। क्यों होनी जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर एक एरिया जो होता है वहां पर जो स्पेस है वहां पर जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड ही हैं, तो इसीलिए जो होता है सक्सेशनल स्टेज यूनिवर्सल स्टेज होती है जिसमें एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी को रिप्लेस कर दी जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद सक्सेशन जो होता है यूनिडायरेक्शनल है, ऑब्वियसली वन वे मूवमेंट ही होता है। ठीक है, यानी लाइकेन से हर्ब, हर्ब से श्रब, श्रब से ट्री का ही फॉर्मेशन होगा, ऐसे रिवर्स नहीं होता है कि यहाँ पर हम जो मतलब हर्ब डेवलप हो गया, हर्ब के बाद अगेन जो होता है लाइकेन का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाए, नहीं ऐसे नहीं होता, ये रिवर्ट बैक नहीं होता, एक ही डायरेक्शन में जो होता है ये मूव करता है। और हमेशा कैसा होता है, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम जो होता है यहाँ पर प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस ही दिखाई, रेट्रोग्रेसिव देखेंगे लेकिन रेट्रोग्रेसिव जो होता है वो बहुत ही कम होता है, हमेशा जो होता है प्रोग्रेसिव सीरीज ही देखने मिलते हैं। ऑब्वियसली आप देख सकते हैं प्रोग्रेसिव सीरीज यानी लाइकेन जो होते हैं काफी छोटे छोटे होते हैं, हर्ब जो होते हैं उनसे बड़े होते हैं, श्रब जो होते हैं और उनसे बड़े होते हैं, ट्रीज जो होते हैं और ज्यादा बड़े होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, प्रोग्रेसिव चेंजेस है ना, उनका जो ऑर्गेनिक मैटर है वो क्या हो रहा है, वो इंक्रीज ही होता जा रहा है, तो इसीलिए कहा जाता है प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस विच लीड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिलेटिवली स्टेबल क्लाइमेक्स कम्युनिटी। ठीक है, यानी यहाँ पर जो ट्री है, ठीक है, वो क्या कैसी स्पीसीज है, स्टेबल स्पीसीज है, और इसका मतलब यहाँ पर जो ट्रीज की जो कम्युनिटी का जो डेवलपमेंट हुआ है अब इस कम्युनिटी को कोई दूसरी कम्युनिटी क्या रिप्लेस नहीं कर सकती है। ठीक है, जब इसे रिप्लेस नहीं किया जा सकता है तो दैट मीन्स ये कैसी है, स्टेबल कम्युनिटी है, स्टेबल कम्युनिटी है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, स्टेबल क्लाइमेक्स कम्युनिटी, क्लाइमेक्स कंडीशन एंड पॉइंट ऑफ सक्सेशन होता है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी मार्क्स द एंड पॉइंट ऑफ सक्सेशन, यानी यहां पर पॉइंट क्या हो गया, यानी ट्रीज पे सक्सेशन खत्म हो गया। अब क्यों सक्सेशन खत्म हो गया, क्योंकि अब ये दूसरी कम्युनिटी से रिप्लेस नहीं होगी, तो ऑब्वियसली वो एंड पॉइंट है, तो एंड पॉइंट को हम क्लाइमेक्स कंडीशन कह रहे हैं, तो वही चीज वो समझाने की कोशिश कर रहा है कि क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो होती है मार्क एंड पॉइंट ऑफ द सक्सेशन, यानी एंड पॉइंट को वो नोट डाउन करती है, बताती है कि ये एंड पॉइंट है, यहाँ पर जो होता है सक्सेशन की स्टेज खत्म हो चुकी है, अब नेक्स्ट जो होता है दूसरा स्टार्ट होगा। एन इंटरमीडिएट स्टेज फाउंड इन द सक्सेशनल प्रोसेस एडवांसिंग टुवर्ड इट्स क्लाइमेक्स।